नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों आज 21 नवंबर सन 2021 बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधियां राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर संचालित हो रही है। राजस्थान मंत्रिमंडल का पुनः गठन होगा। गहलोत और पायलट में किसकी जीत मानी जाएगी, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान में बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल का आखिर पुनर्गठन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जो कि उप मुख्यमंत्री भी थे के बीच में राजनीतिक विवाद को ख़त्म करने की कड़ी में कांग्रेस हाईकमान का ये एक प्रारंभिक प्रयास है। इस प्रयास में मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट दोनों की जीत तो हो ही गई, मगर इस जीत की माला से निकले फूल बता रहे हैं कि जिन कार्यकर्ताओं ने 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी को हराने में मेहनत की थी, उन कार्यकर्ताओं की क्या जीत हुई या क्या हार हुई, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्योंकि खबर निकल के आ रही कि जिन विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है, उन विधायकों को निगम बोर्ड एवं दूसरे महत्वपूर्ण पदों पर शामिल किया जाएगा, और जबकि पूर्व में इन पदों पर उन कार्यकर्ताओं को अवसर दिया जाता था जो कार्यकर्ता मेहनत से कांग्रेस को सत्ता में पहुंचाने का काम करते थे। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि अब ये पद उन जमीनी कार्यकर्ताओं से छिनते नज़र आ रहे हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो तनातनी चली वो अब समाप्ति की ओर अग्रसर हो रही है। अब ये प्रश्न है कि इसमें अब क्या होगा और इसके आगे क्या रणनीति बनाई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में आने वाले चुनावों के अंदर क्या घमासान होगा, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन वर्तमान में तो ये सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो तनातनी थी वो अपने समाप्ति की ओर अग्रसर हो रही है। अब देखना यह है कि कांग्रेस इससे बढ़त बनाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः सत्ता के अंदर, राजस्थान की सत्ता में वापस आएगी। गौरतलब है कि उपचुनावों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, इससे किरकिरी भी काफ़ी हुई और अशोक गहलोत के राजनीतिक कौशल का लोहा भी लोगों ने माना। लेकिन अब क्या आगे ये जारी रहेगा या फिर कुछ और होता नज़र आएगा, इसके ऊपर भी हम आपको लगातार अपडेट देंगे। दोस्तों व्यापार और राजनीति आपस में एक दूसरे से अलग तो है, लेकिन इनके बीच के अंदर एक सामंजस्य भी है, एक दूसरे से कनेक्शन भी है। इसलिए हम हर राजनीतिक खबर को भी आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब, यदि आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हर व्यापारिक गतिविधि जो आपको फ़ायदा दिला सकती है, आपको सूचना दिला सकती है, आप तक पहुंचाने का हमारा ये भरसक प्रयास रहेगा। चना, प्याज, सोयाबीन, सरसों, काली मिर्च, हल्दी, इन सभी के ऊपर हमारी विशेष एपिसोड इस चैनल पे हैं, जिनको आपको देखना ना भूलें। एक महत्वपूर्ण चर्चा जो मैं आपसे आगे आने वाले शो में करना चाहूँगा, गवार सीड, चना, सोयाबीन, सरसों और मसालों के अंदर हल्दी, काली मिर्च के ऊपर भी हम विस्तृत चर्चा आपसे करेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, यदि आप हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं, आने वाले कृषि जीन्स, स्टॉक मार्केट या फिर सोना चांदी हो या फिर कॉपर, अग्रिम रिपोर्ट चाहते हैं तो आप हमसे पेड सर्विसेज के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।